आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं, MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण। हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने, अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे, दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने, उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा, मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजडी ना हो इसके लिए हर संभव